असल आज, आज से हम आपकी ख़िदमत में ऐसे इस्लामी हाज़िर हो रहे हैं है, जिनसे आपकी अहले अहल में और इजाफा होगा और आपका ईमान मजीद ताज़ा होगा तो जो हजरा हमारे चैनल पर नए हैं वो फौरन सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़े रहें ताके नए आने वाले वाकआत से आप मुस्तफीद हो सकें शुक्रिया इस वीडियो का हरगज मकसद तफ्रकबाजी नहीं है जबकि वो हकीकत जो शिया सुन्नी मुहिबान मुस्तफ़ा से छुपाई गई है उन तक पहुंचाना है उम्मीद करते हैं इस वीडियो से किसी की दिलाजारी नहीं होगी बल्कि तहकीक के दरवाजे खुल जाएंगे शुक्रिया हज़रत आयशा रज़ी तरमाती हैं कि आखिरी वक्त आप सल्ला वसलम ने फरमाया मेरे हबीब को बुलाओ मैंने अपने बाप अबू बकर फिर उमर को बुलाया उन्होंने फिर यही फरमाया जब उन्होंने दोबारा यही बात फरमाई तो मैंने सलाम को बुला भिजा आपने अली को चादर में ले लिया और आखिर तक सीने से निपटाए रहे रियाज़ल मंजरा 180 सौ अस्सी मौरख़िन लिखते हैं कि जनाब सैद सलामुल्ल और हसनैन आलम को तलब फ़रमाया और अली को बुलाकर वसीयत की और कहा जयश उसामा के लिए मैंने फ़लाँ यहूदी से कर्ज लिया था उसे अदा कर देना और अली तुम्हें मेरे बाद सख्त सदमात पहुँचेंगे तुम सबर गुजार रहना और देखो जब अहले दुनिया दुनिया परस्ती करें तो तुम दीन पर बाकी रहना हज़रतम से वसीयत फरमाने के बाद आप आपली वसम की हालत मतगैर हो गई हज़रत फ़ातिमा जिनके जानों पर सर मुबारक रसालत माब सल्ला वसलम था फरमाती हैं कि हम लोग इंतहाई परेशानी में थे कि गा एक शख्स जिसने इसने हुजूरी चाहा मैंने दाखला से मना कर दिया और कहा ए शख्स ये वक्त मुलाकात नहीं है इस वक्त वापस चला जा इसने कहा मेरी वापसी नामुमकिन है मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं हाजिर हो जाऊं आ हजरत सल्ला वसल्लम को जो कदरे अफाका हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा इजाज़त दे दो ये मलकुल मौत हैं फातिमा सलामुल ने इजाज़त दे दी और वो दाखिल खाना हुए पैगम्बर आलिहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच कर अर्ज़ की मौला ये पहला दरवाज़ा है जिस पर मैंने इजाज़त मांगी है और अब आप वसल्लम के बाद किसी के दरवाजे पर इजाजत तलब न करूंगा अल्लामा वाहिद, रोज़तुल सफ़ा, जल्द नंबर दो तो, अल अलगर्ज मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतारीख अट्ठाईस ग्यारह हिजरी योम दो शंबा ब वक्त दोपहर कोहराम मच गया हजरत अबू बकर इस वक्त अपने घर मोहल्ला सना गए हुए थे जो मदीना से एक मील के फासले पर था हजरत उमर ने वाक वफात को नशर होने से रोका और जब हजरत अबू बकर आ गए तो दोनों सकीफ़ा बनी सायदा चले गए जो मदीना से तीन मील के फासले पर था और बातिल पर मशवरों के लिए बनाया गया था गात और उन्हीं के साथ अबू उबैदा भी चले गए जो गसाल थे गर्स के अक्सर सहाबा रसूल करीम सल वसलम की लाश मुबारक को छोड़कर हंगामा खिलाफत में जा शरीक हुए और हज़रत अलीसलम सलो कफन का बंदोबस्त करने में मसरूफ रहे हजरत अलीसलम गसल देने में फजल इबन अब्बास हजरत का पैरहान ऊंचा करने में अब्बास और कसम करवट बदलवाने में और उसामा और शकरान पानी डालने में मसरूफ हो गए और इन्हीं छह आदमियों ने नमाज जनाजा पढ़ी और इसी हुजरे में आप सल्ला वसल्लम के जिसमें अतहर को दफन किया गया जहाँ आपने वफात पाई थी अबू तलहा ने क़ब्र खो दी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर आपके कफन और नमाज में शरीक ना हो सके क्योंकि जब ये हजरत सकीफ़ा से वापस आए तो आ हज़रत सल्ला वसल्लम की लाश मतहर खा की जा चुकी थी कंजुल आमाल जिल नंबर तीन अर्जा अलमतालब अलर्तजा फताबारी जल्द दो वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक त्रेसठ साल की थी तारीख तारीख अबू अलफादा जिल्द नंबर एक तारीख तिबरी जिल्द नंबर चार में है कि अंसार ने जब हजरत अलीसम की बैत करना चाही तो हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़कर कर बैत कर ली और कहा कि आप भी क्रैशी हैं और हमें हम सबसे ज़्यादा उम्र भी हैं